हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम क्लास 10th NCERT चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन आपको करा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जैसा कि इसका नाम है चैप्टर का, उसी से हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे पेयर है, पेयर मीन्स टू, कोई भी टू दो चीज़ें होंगी उन्हें पेयर बोलेंगे। लीनियर मीन्स होता है पावर ऑफ वेरिएबल्स इज वन, जैसे एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन, जेड की पावर वन, यू की पावर वन, कोई भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर वन होगी मैक्सिमम। इक्वेशन मीन्स इसमें इक्वल का साइन होना कंपलसरी है। अगर इक्वल साइन नहीं होगा देन इट इज पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 में पहुंच जाएगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ टू इक्वेशन से लेना है हमें, तो इनमें देखो क्या करेंगे। इसका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में हम कोफिशिएंट में वन वन लगा देंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होगी तो उसमें हम लिख देंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशंस आ गए। अब इक्वेशन का देखिए, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे जो एक्स वाई की वैल्यू आएंगी दैट आर सॉल्यूशंस। अब सॉल्व करने पे इक्वेशन क्या होंगी ये पता बाद में चलेगा। इसको हम पता करने के लिए हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है, इफ नंबर वन, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स हैं जो ए वन अपॉन ए टू एंड वाई का कोफिशिएंट है, इनका दोनों का रेशो अगर नॉट इक्वल आएगा देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी इस तरीके से। देखिए दोनों लाइन हैं ये ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी एट वन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग बोलते सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लाइन्स हैज यूनिक सॉल्यूशन और लाइन्स आर कंसिस्टेंट, माने ये एक दूसरे पर डिपेंड हैं। लाइन्स आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट फर्स्ट कंडीशन थी ये। सेकंड कंडीशन में अगर इनको हम ये चेक करने का तरीका है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, ये आ गया। अगर तीनों इक्वल आ गए, तीनों रेशो इक्वल आ गए देन देन अगर तीनों रेशो इक्वल हैं देन लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल पैरेलल मीन्स होता है कि ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस आर सेम, मतलब नेवर इंटरसेक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसी लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं इनफाइनाइट तक, दैट आर पैरेलल लाइंस और हैव नहीं सॉरी 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 ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, पैरेलल में नहीं है ये। लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट तो कोइंसिडेंट में क्या होता है, दोनों लाइंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ जाएंगी, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और लाइंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और ये भी कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर
कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। थर्ड होती है इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मैंने टू रेशो इक्वल है थर्ड रेशो अनइक्वल है, देन लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइन कैसी है पैरेलल और हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन माने लाइन नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इन कंसिस्टेंट लाइंस, दोनों लाइन इनकंसिस्टेंट होंगी, वो इस टाइप से होंगी, देखिए दोनों लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहेगा, कभी भी इंटरसेक्ट इनफाइनाइट तक ले जाएंगे फिर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये इसकी कंडीशन थी। एल एंड एम लाइन ले ली। इसके बाद आ जाता है अपने कोर्स में जो है टेंथ, इस बार देयर आर थ्री मेथड ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशंस। तो यहाँ अपने कोर्स में तीन मेथड हैं, देखिए फर्स्ट है ग्राफिकल, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, तो ये अपने एनसीईआरटी में ये तीन मेथड एनसीईआरटी में दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे, तो देखिए।